तो भाई आज वाला गेम प्ले पूरा देखना, क्योंकि आज बहुत तगड़ा गेम प्ले होने वाला है। सबसे पहले एक बंदे को नॉक दे देते हैं, ठीक है, और तभी इसका टीममेट मेरे सामने वाली बिल्डिंग में आ जाता है। एंड भाई ये बंदे इतने हरामी, मैं इसे बच्चे प्रोन करता हूँ एंड ये दोनों कूद के मेरी बिल्डिंग में आ जाते हैं। एक को नॉक देता हूँ एंड इसका टीममेट कवर देने आता है एंड देन टीममेट को नॉक दे देता हूँ। यहाँ देख 1v3 कम्प्लीट हुआ। देन हम लोग आ जाते हैं इस साइड, ठीक है, और यहाँ एक बंदा जस्ट रिकॉल की तरह आता है जिसको मैं नॉक देता हूँ, ठीक है। और भाई यहाँ ये लोग, इसकी स्क्वाड होगी पूरी, और ये लोग इतना दौड़ाएंगे ना हमें, तुम देखना। मतलब एक ही बच गया, ठीक है, अभी मेरी बिल्डिंग में है ये, मेरी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाएगा। भाई मैं खड़ा हो गया एकदम, दूसरे शॉट से कपड़े निकाल लिया भाई, पर इस बंदे ने पुश नहीं किया। अभी मेरे नीचे शॉट गन लेके छुपा हुआ है। प्रॉब्लम ये है, मेरे पे भी डीपीएस है, पर अभी गेम चल रहा है टीपीपी का। जो टीपीपी के अगेंस्ट घुसा वो मरेगा, इसलिए मैं भी नहीं घुस रहा, वो भी नहीं घुस रहा। अभी वो करता है स्मोक, और जैसे स्मोक आया मुझे पता था अब निकलने का टाइम है, बिकॉज अगर स्मोक में रुका काम खत्म है, फिर शॉट गन का एक ही पड़ेगा। मेरी स्मोक फाइट्स बहुत बुरी है, और टीममेट को लगातार कॉल दी जा रही थी, भाई तुम लोग आ जाओ, मर जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ। ये आए ना यार आधे घंटे, ठीक है, तू तो बच जाएगा, मार जाएंगे। तब मेरे दूसरे टीममेट जो फिनिश हो चुका, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि सरकार तू तो बच ही जाएगा। अब ये डीपीएस वाला पुश करता है, देन इसको डैमेज देते हैं, ठीक है, एंड एक स्मोक भी कर देता हूँ उसके मुंह पे, ताकि मैं क्रॉस कर पाऊँ, बिकॉज ऐसे वो क्रॉस नहीं करने देगा ना, बिकॉज मुझे यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स है। और ये लोग भाई इतना गंदा वो कर रहे थे ना, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग, भाई हमें लगातार हर बिल्डिंग चेक करनी पड़ रही थी। मैं इधर उधर जाके हर बिल्डिंग के मिरर चेक कर रहा था, एक स्क्वाड उधर भी फाइट कर रही थी, ठीक है। तभी ये बंदा ऊपर आता है, अभी देखो जैसे स्मोक कटेगा ये ऊपर आएगा, ठीक है, और उसका क्या मोए मोए करते हैं। और यहाँ लिटरली पता नहीं एक स्क्वाड थी, दो स्क्वाड थी, हमें खुद को नहीं पता कितनी स्क्वाड थी, बस चल रहा है फाइट। और इस वीडियो पता है जो तुम देख रहे हो, तुमको लग रहा होगा कट नहीं लगाए इसलिए लंबी फाइट जा रही है, भाई इसमें बहुत कट लगाए हुए मैंने, लिटरली मेरा आधा मैच स्क्वाड फाइट में गया है। अभी बंदा ऊपर आता है, एंड भाई को हमारी वाली बात लग रही थी कि हम लोग उधर किधर ही है। इसको नॉक देके हम पुश कर देते हैं, और डीबीएस वाला बंदा ऊपर आता है और इसको एलोवेट लेते हैं, और नीचे वाले बंदे फिर से भाग जाते हैं। वो रुके ही नहीं भाई बिल्डिंग में, कूद के निकल ली है वो किसी और बिल्डिंग में, सामने वाली में। उसको डैमेज दिया, और उसके बाद भाई साहब हम लोग, मैं स्मोक करके दूसरी बिल्डिंग में गया, क्योंकि मुझे पता था एक जगह रुके तो नेड आएगा यहाँ पे कंफर्म, क्योंकि हम लोग इधर उधर निकल नहीं सकते, और यहाँ रुके तो कंफर्म डेथ है, ठीक है। तो अभी जस्ट भाई स्मोक किया एंड दूसरी बिल्डिंग में जंप करके पहुंच गया मैं। अब यहाँ से देखो क्या 1v2 या 3 निकालूंगा, ठीक है। अभी सामने वाली बिल्डिंग में बंदा इतना तो कन्फर्म था, ये एक विंडो पे आता है और वो दूर भी देख रहा था कोई आ जाए। अब टीममेट का डिस्कशन भी चल रहा, तभी बंदा आता है, इसको मैं एक एचपी छोड़ देता हूँ। और इसका टीममेट नीचे से पता नहीं शायद कोई बिल्डिंग क्रॉस करने की सोच रहा था, और दूसरा बंदा यहाँ पे टीप पे ले रहा था। अब उनके दो नॉक कर दिए थे, और अब सीधा मतलब था घुसने का, ठीक है। तो अब मैं जस्ट रश करता हूँ, और उस चक्कर में मेरी हेल्थ चली जाती है, जिसकी वजह से भाई मेरे बहुत नुकसान हुआ है। टीममेट अलग ही जोश में है भाई, सरकार को लेके मैं क्या बोलूं। उसके बाद यहाँ इस रूम में थे, और उनकी स्ट्रेटजी देखो भाई, तुम एक जंप किया एंड दूसरा लिटरली पीछे रुका, बिना फुटस्टेप दिए, ताकि मैं उसके पीछे जाऊँ उस विंडो से कूदने के लिए, एंड ये पीछे से मार दे। भाई ऐसी टैक्टिक तुमको क्लासिक में सिर्फ कॉम्पिटेटिव में मिलेगी, मुझे पता नहीं मेरी कैसी लॉबी लगी थी। अब एक टीम में नॉक है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आजा रिवाइव ले ले। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा नंबर 3 भी इसी रूम में आ गया। अब यहाँ पे एक नेड़ा था, काम खत्म था, क्योंकि सामने वाले बहुत गंदा खेल रहे थे। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि भाई तू सामने वाले रूम में जा, और उसको सीढ़ी वाला बंदा पता नहीं क्यों दिखाई चला भी गया। भाई सीढ़ी वाले के आने से पहले जाना था ना, अभी ये बंदा बचा था। और अभी मेरा पता नहीं इंटरनेट था, पता नहीं हैकर हुकर था, मुझे ये बताओ ये इस पर कौन से उड़ते पंख रेड बॉल भी गया है, इतनी लंबी जंप मार गया ये सीधा बाहर वाले गेट से इधर लास्ट वाले रूम तक। मैं एक एचपी हो गया होता हूँ, मेरे टीममेट को 2 मिनट संभाल ले देता हूँ, ठीक है, और हीलिंग लगाता हूँ। और अब इनके स्क्वाड का जस्ट लास्ट बंदा बचा होता है,
और ये पुश कर देता है सीधा मॉली डाल के। इसे वो लगा था आएगा समीदर नहीं है। 5 मिनट में एक या दो स्क्वाड वाइप हुई है भाई। इसके बाद वाले स्क्वाड से फाइट इतनी लंबी नहीं है। अब उसके बाद मैं जॉर्जो आ जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से जस्ट एक पकी क्रॉस कर रही होती है और इस पर देखो जस्ट आइए भाई। अगर ये पसंद आया सब्सक्राइब कर दो भाई। और भाई बैरल पे पता नहीं क्यों मेरे से होलोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है। होलो साइट होता है ग्राम नहीं सॉरी। सेम भाई मोई में मूवमेंट फिर से हो गया इसके साथ। अब इसके बाद मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, ठीक है। और ये वाव है भाई एकदम वाव। वो सामने से हमें पड़ रही होती है। पहले बंदा स्पॉट नहीं हुआ था कहाँ से मार रहा है वो। मैंने मैं स्पॉट कर लेता हूँ। और स्प्रे बताना भाई कैसा है, ठीक है। और इस स्प्रे के बाद थोड़ी सी हीलिंग लगाता हूँ और एंड बंदों पे कर देता हूँ पुश। अब भाई मेरा एक नंबर पहले से वहाँ होता है और मैं भी आ जाता हूँ। और ये बंदा भाई हमें उधर ही ढूंढ रहा था, इसको पता नहीं लगा कि मैं कब में इधर आ गया, तो ये उधर ही फायर दे रहा था। इसको नॉक दे देता। और भाई मैं डीपीएस लेके घुस जाता हूँ बिकॉज मुझे पता था सामने वालों पर भी डीपीएस तो रहेगी। तभी एक बंदा इधर आता है जिस पर डीपीएस तो नहीं थी M4 थी। इसको पूरा फिनिश देता हूँ। लास्ट बंदा इनका इसी घर में है और मेरी टीममेट को इसने पूरा फिनिश दे दिया था एक नंबर को। इसको फिनिश दे देते हैं 1v4 कंप्लीट। एंड देन हमें मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। एंड भाई यहाँ देखो तुम जस्ट दो बंदे सामने, उसमें से एक पे MK है और मेरा लैग कर रहा है भाई, फ्रेम ड्रॉप हुए हैं बहुत गंदा, इसलिए मैं वापस आया। अब यहाँ से एक बंदे को मेरे को मॉली खींचने की आवाज़ आई थी और जस्ट उसने मॉली कर भी दी। 1v2 देखो जस्ट ये भाई मुझे सीरियसली बंदा मेरे सामने घूमा, मुझे लगा ये मर गया। और मैंने स्किन बता रहा भाई कैसी लग रही है, लेवल 4 करने में बहुत वो लग गया था मेरे को, फट बहुत डाल तो भाई, ठीक है। यहाँ 1v4 करते हैं। एंड अब भाई आज का लास्ट 1v4 है गाइस, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, मैं जैसे यहाँ पुश कर रहे हैं, इस बंदे ने उसको नॉक कर दिया, एक नॉक को मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। एंड इसको पूरा फिनिश दे दिया। एंड लास्ट का इनका पता नहीं दोनों में से किसी एक स्क्वाड का बंदा लास्ट में अब सामने आ जाता है, ठीक है। ये बेचारा थर्ड पार्टी करने आया था और खुद के साथ मोए मोए होगा इसके साथ। यहाँ पर बहुत गंदा थर्ड पार्टी किया हमें। एंड ये मर गया। 1v4 कंप्लीट। 4-3 जो भी मानो, लाइक और